अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर याकूब, डायरेक्टर वाइड सिक्योरिटीज। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या चीज़ है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो रूल्स हैं, वो प्रोसीजर्स हैं जो आप अपने आप के लिए सेट करते हैं, जो कि जिस तरीके से आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है उसको लेकर चलते हैं, और वही स्ट्रेटजी जो आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वही आगे जाके आपको एक रिटर्न्स पे करती है, जो कि एक टर्न आउट होता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी थी। तो सबसे पहले तो हम जब भी बात करें इन्वेस्टमेंट की, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है, हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारे स्किल्स, हम अपने आप को पहचान के हम कैसे इन्वेस्टर हैं, उसको पहचान के हम आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अगर हम यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में, हम आज बात करेंगे ग्रोथ इन्वेस्टिंग की, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर इन्वेस्टिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका रिस्क क्या है, आपकी एज क्या है। वो सब हम डिफाइन करने के बाद हम एक इन्वेस्टमेंट उस पर आते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स की, चाहे वो रेगुलर मार्केट हो, चाहे वो फ्यूचर मार्केट हो, चाहे वो MTS हो लेवरेज, चाहे वो ETF हो बास्केट ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या चीज है? ग्रोथ इन्वेस्टिंग कोई भी ऐसी चीज है जहां आप ये देखते हैं कि कोई भी कंपनी हो उसका फ्यूचर कैसा है, उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं, उसको कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स अच्छी है, उसकी मार्केट साइज क्या है, उसका टारगेट मार्केट क्या है, और उसका फ्यूचर ग्रोथ का प्लान क्या है। फिर हम देखेंगे कि उस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है, और उस कंपनी की शेयर परफॉर्मेंस, शेयर प्राइस परफॉर्मेंस क्या है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बहुत, हो सकता है नई हो सकता है पुरानी हो सकता है कि उस कंपनी ने पहले जब आई थी तब उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, लेकिन आगे हम देख रहे हैं क्योंकि उसका मॉडल इतना अच्छा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, कि हम आगे देख रहे हैं कि फ्यूचर उस कंपनी का कितना अच्छा हो सकता है। अब चाहे आप वो सेक्टर वाइज बात करें, चाहे वो किसी इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन हमें ये देखना है कि उसने हिस्ट्री में उसकी अर्निंग्स क्या रही हैं, उसकी हिस्ट्री में उसके प्रॉफिट मार्जिन क्या रहे हैं, हिस्ट्री में उसकी शेयर परफॉर्मेंस क्या रही है। इन्वेस्टिंग ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा एक शेयर लेते हैं, फिर उस कंपनी, वो जब कंपनी अपने एक ग्रोथ एक्सपेंशन पे आ जाती है, जब वो एक अर्निंग्स शो करना शुरू कर देती है, जो उसका टारगेट होता है वो मैच मीट होना शुरू हो जाता है, फिर आपकी जो शेयर प्राइस है वो बढ़ती है और आप वो बेच के आपका प्रॉफिट होता है। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म जा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ग्रोथ है तो वो आपको हमेशा एक लॉन्ग टर्म टारगेट करना होगा। और जो आइडिया है इस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि एक कंपनी हमने जिस तरीके से सोचा है, जो उसका बिजनेस प्लान है, उस तरीके से एक्सपेंड करेगी, अपने आप को प्रॉस्पर करेगी, अर्निंग्स बनाएगी, प्रॉफिट करेगी, और उसकी प्राइसेस, जो स्टॉक की प्राइसेस हैं, वो ऊपर जाएगी, जैसे हम प्रॉफिटेबल होंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में आपको देखना है कि इस कंपनी की हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अर्निंग्स क्या है, मतलब आज से लास्ट क्वार्टर में, 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, उसका इस कंपनी ने कितना कमाया, उसका पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट में उसने कितना कमाया, उसके खर्च, उसके एक्सपेंसेस कितने थे, और उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना था। ये सारी चीजें वो आपको बताएं, ये आप सारी चीजें आपको बताएंगी आपकी स्टेटमेंट में, आपकी रिसर्च में, कि ये कंपनी क्यों बेहतर है आपके इतने साल की मेहनत के पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, और इसमें से आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें आपके रिटर्न्स और आपके टारगेट्स डिफाइंड हो, इधर यू आर प्लानिंग टू अर्न 100%, 200%, या जो भी। पाकिस्तान का जो आज का सिनेरियो है वो अंडर वैल्यूड है। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रही है, इकोनॉमिकल इशूज की वजह से, पॉलिटिकल इशूज की वजह से, XYZ। लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी आज से 3 साल पहले एक अच्छे लेवल पर थी, जो एक कंपनी में भी 300-400 रुपए का शेयर था, आज वो शेयर 60-70 रुपीज है, दैट डज नॉट मीन कि कंपनी बंद हो रही है। इसका मतलब ये है कि आज इकोनॉमिकल हालात खराब हैं, वो उस कंपनी ने कल वैसा ही परफॉर्म करना है जब आज हमारे इकोनॉमिकल हालात बेहतरी की तरफ आएंगे।
ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉप है कि वो ये हो सकता है कि वो कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो डिविडेंड्स ना दे. उसकी वजह ये है क्योंकि उसे फ्यूचर में ग्रो करना है, वो ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो वो डिविडेंड्स इंस्टेड ऑफ डिविडेंड्स है वो अपने आप को सस्टेन करेगी मार्केट एक्सपेंशन के लिए. फिर हम बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉरेन बुफे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी. वॉरेन बुफे हमेशा एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ रहे हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन्होंने फॉर्च्यून्स बनाए. आज ये वो कंपनीज होती हैं जिसमें आप टारगेट करते हैं कि ये आपको बहुत अंडर वैल्यूड कंपनीज पर मिले, रेट्स पर मिले, और आपको दिख रहा हो कि आने वाले 2-3 साल इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे हैं, ये डिविडेंड्स भी देगी, ये आपको इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रहेगी, इसकी टारगेट मार्केट बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो आप एक टारगेट करते हैं. टुडे सिनेरियो फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, आप कोई भी अच्छी कंपनी आगे देख लें, हर चीज में आपको एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट दिखेगी. उसकी वजह यह है कि इस वक्त हर चीज अंडर वैल्यूड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में. इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी बुक रेशियो क्या है, उसका प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, उसके डिविडेंड यील्ड क्या है. आज अगर आपको एक डिविडेंड यील्ड मिलती है 12-13% एक कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 3-4 साल इस कंपनी में अगर इन्वेस्टेड रहता हूं तो 400-500% मैं इस कंपनी से इन 4 इयर्स पीरियड बना सकता हूं, व्हिच इज और आप 10-12% आप टारगेट कर रहे हैं डिविडेंड एंड ऑफ द ईयर, मतलब आप एंड ऑफ द डे आप 5-4 साल बाद जब इन्वेस्टमेंट से आप अपने शेयर्स बेचेंगे तो यू विल बी ऑलरेडी ऑन टॉप ऑफ 400-500% टॉप. इन्वेस्टर को हमेशा एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट है, ना कि हम ये बात करें कि आज हम पैसे लगाएं और कल हम पैसे निकाल कर ले जाएं. आप ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन वेरी हाई रिस्क, जिसका रिटर्न भी हाई होता है लेकिन पैसे देयर इज चांसेस टू लूज मनी एज़ वेल. एक कोट यह है कि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, दैट्स व्हाट वॉरेन बफे सेज. जब आप कोई चीज लेते हैं यू आर पेइंग the price, lekin jab aap wo cheez bechte hain that's the value of the company that you actually had it in your mind when you were investing. Hamara target yahi hona chahiye ki hum kis tarike se apne paise ko badhaye. Momentum investment is based on technical analysis, based on the data that we have been getting from the past performance. एक कंपनी ने आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले कैसा परफॉर्म किया था, क्या उसके इंडिकेटर्स थे, क्या वो अर्निंग बेस्ड कंपनी थी जो अर्निंग आती थी और वो मार्केट शूट अप करती थी, या वो इकोनॉमिकल बेस्ड थी या जिस इकोनॉमी ड्रिवन थी जिसकी वजह से कोई भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता था वो उसके शेयर प्राइस ऊपर जाते थे या नीचे जाते थे, या पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से. ये सारी वो चीज़ें हैं कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी. ये ब्लैक लाइन जो है ये मोमेंटम है. व्हेनेवर ये ऊपर की तरफ टर्न होता है तो आप ये देख रहे हैं इट गोज अप. फिर ये जब नीचे की तरफ आता है तो आप ये देखें कि देयर इज अ सेल कॉल. फिर जब ये वापस टर्न होना शुरू हुआ ये देयर इज अ बाय कॉल. दैट्स मोमेंटम इन्वेस्टमेंट. आप मोमेंटम, आप ट्रेंड लाइन, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं इस मार्केट का, इस शेयर प्राइस का, कि जब जब ये मोमेंटम चेंज होगा फॉर एक्स वाई जेड रीजंस ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी. तो बेसिकली आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेंड के ऊपर, के मार्केट ट्रेंड क्या कर रहा है, मार्केट सेंटीमेंट्स क्या कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो यू विल बेट ऑन परचेस, नेगेटिव है तो यू विल सेल टू गेन मोर. ये वो सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं जो हमें जिनका जो हमारे सामने डिफाइंड हो बिफोर वी कम टू स्टॉक मार्केट डिफाइंड. मैंने बहुत लोगों को सुना है कि यार मैंने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाए और पैसे चले गए और मेरा नुकसान हो गया. मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का नुकसान होता है स्टॉक एक्सचेंज में वो उसकी अपनी वजह से है, या तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, या तो उसने अपने आप का ये नहीं देखा है कि अगर मार्केट इतनी नीचे जाती है तो मुझे ये चीज़ बेच देनी है, दैट्स माय स्टॉप लॉस. उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, या तो मोस्टली ये होता है कि लोग आते हैं यार हमें इन्होंने कहा शेयर ले लो, हमने ले लिए, वो शेयर नीचे आ गया. दैट्स नॉट हाउ यू इन्वेस्ट. स्टॉक मार्केट वो जगह है मैं समझता हूँ जहाँ आपको एक्सेस है हर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो कंपनी हमारी रीच से बाहर है. आज अगर हम चाहें कि कोई हम इंडस्ट्री लगाएं, हम नहीं लगा सकते, मतलब दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी. तो हम वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द कंपनी दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट.
उसके लिए हमारी वर्किंग ये होगी कि हम देखें कि उस कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्रेजेंट क्या चल रहा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर परफॉर्मेंस हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि उसकी अर्निंग्स कितनी बढ़ जाएंगी या उसमें वॉलिटिलिटी कितनी आ जाएगी। इस तरीके से हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि सही तरीका भी यही है। यू कैंट जस्ट इन्वेस्ट मनी और किसी के भी बोलने पर और हम पैसे हार जाए। फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर द इन्वेस्टमेंट क्या है। क्या आप ये चाहते हैं कि आप आज योर एज इज 30 years old, योर 30 years old, आप 30 साल के हैं और आपको 60s 70s की लिए अपनी प्लानिंग कर लेनी है कि जब आप रिटायर हो जाए तो आपके पास दिस अमाउंट ऑफ मनी यू शुड हैव। तो ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है, या आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने लग्जरी लाइफ निकालनी है, आपको किस तरह आपको एक एक हाई फाई लाइफ निकालनी है जिसके लिए आपके ये एक्सपेंसेस हैं, या ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हमारे सामने हमारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन होने चाहिए, जो हमारे को अलाउ करेंगे कि हम इस स्ट्रेटजी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग मंथली एक्सपेंसेस एंड डेट्स। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस ये और आपके डेट्स ये, कि ये तो वो अमाउंट है जो आपको एवरी मंथ चाहिए। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्वेस्टमेंट बचती है, जो जो क्या हमारे पास क्या पैसे बचते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। क्या हमारे अगर हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ जाए, तो क्या हम वो चीज बर्दाश्त कर सकेंगे या हम वो बेच देंगे नुकसान में, ये, या फिर अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप वो लेके बैठ सकते हैं, अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो फिर आपको वो बेचनी पड़ेगी। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जहां आपको मालूम होना चाहिए कि बिफोर इन्वेस्टमेंट कि हम इस चीज को इन्वेस्ट करें या हम इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जा रहे हैं या हम इसमें ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं। ये आपकी सारी वो स्ट्रेटेजीज है जो आपको डिफाइन होनी चाहिए बिफोर यू कम टू स्टॉक एक्सचेंज या बिफोर यू इन्वेस्ट इन द कंपनी। क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 रुपये महीने का खर्चा है और उसमें से मैं 150 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मैं पूरे 50 रुपये आज स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता हूँ, कल को मार्केट नीचे चले जाती है, वही मेरी हिम्मत है, मैं उसको अगर होल्ड नहीं कर सकूंगा तो मैं नुकसान करूंगा, और अगर मैं उसको होल्ड करूंगा, अगर मेरी पीछे वर्किंग अच्छी है, लॉन्ग टर्म में बैठूंगा, तो मैं ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट बना सकता हूँ। लेकिन दैट हैज टू बी डिफाइंड बिफोर यू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, वही बात कि हम इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं, आखिर क्या हमें रिटायरमेंट के लिए अपना रिटायरमेंट अच्छी करनी है, या मतलब हम जब रिटायर हो हमारी एक अच्छी लाइफ हो, या हम अपने बच्चों की एजुकेशन फीस भरनी है, या हमें एक लग्जरी लाइफ चाहिए। ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपका फर्स्ट स्ट्रेटजी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। फिर आ जाता है सबसे बड़ा फैक्टर आपका एज। अगर आप एक टीनेजर हैं या आप एक यंग एज में हैं, यू आर एडल्ट 25 to 35 के बीच में, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आर गोना बी डिफरेंट जो एक 60+ इन्वेस्टर की होगी। आप आज ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपके अंदर एबिलिटी है रिस्क लेने की, आपके अंदर लॉन्ग टर्म बैठने की एबिलिटी है, ताकि वो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको आप फ्रूटफुल बना सके इन द पैसेज ऑफ अ टाइम पीरियड। वेयर एज जहाँ आपकी एज बड़ी होगी, जहाँ आप एक इस एज के हिस्से में आ जाते हैं जहाँ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, या आपको पता है कि हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग भी हमारी होनी चाहिए, अब आफ्टर 60-70 हमारे पास कम से कम इतनी वर्थ हो हमारी कि हम एक अच्छी लाइफ निकाल सकें। जब आप बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव लेसर टाइम फॉर योर इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड रिटर्न्स, हेंस योर आइडियल इन्वेस्टमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू योर एज। कि आपको आप बॉन्ड्स में जाना है, दैट्स फिक्स्ड, या आपको एक ट्रेजरी बिल्स में जाना है, या आपको बैंक्स में जाके इन्वेस्टमेंट पैसे आपके डिपॉजिट कर देने हैं और आप जो भी उसका फिक्स रिटर्न आपको है, इट बेसिकली इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट कि आप बैंक जाए। लेकिन हम जब स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम फिक्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टारगेटिंग 300-500% ऑफ रिटर्न्स इन द पैसेज ऑफ 3-4 years। तो ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ आप बहुत पैसे बना सकते हैं, और अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं की तो आप वो पैसे हार भी सकते हैं। फिर हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, कि हमारे अंदर कितना बर्दाश्त है किसी भी चीज़, किसी भी नुकसान को लेके या किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके। फॉर एग्जांपल आज आप एक चीज़ लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में और वो
किसी भी वजह से अगर नीचे आ जाती है तो क्या हमारे अंदर इतना बर्दाश्त है हम उसको लेके बैठ सकते हैं, या हमें अपनी वर्किंग पर इतना भरोसा है कि अगर हम आज बैठ जाएं और हम उसको आज लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो हम उससे रिटर्न्स बना सकते हैं। जैसे कि ये कहता है हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, young people can take higher risk in order to earn money more, but the fact is higher risk investment also means there is a greater potential for losses as well. jab aap investment kare aapko malum hona chahiye ki aap kya risk apne aap kitna risk leke chal rahe hain apne investment ke upar. agar aapka high risk hai to obviously the returns are going to be high, lekin at the same time there is chance that you can lose money for whatever the reason is. तो आपको हमेशा एक लेवल असेस करके चलना है, एक आपको अपना एक स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए कि हमारा अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू सेल आवर इन्वेस्टमेंट टू बुक आवर लॉसेस, या दिस इज द पॉइंट टू सेल आवर इन्वेस्टमेंट टू बुक द प्रॉफिट, कि ये हमारी स्टॉप लॉस है, लेट्स सपोज 20-30% स्टॉप लॉस है, बट द हायर द रिटर्न व्हेन वी टॉक अबाउट रिटर्न, अब दो तीन साल का टारगेट बनाए 200-300% इट्स नॉट अ बिग डील टू मेक इन पाकिस्तान स्टॉक्स। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे जो पाकिस्तान स्टॉक चेन में अवेलेबल है। रेगुलर मार्केट क्या है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कैश एंड कैश डिलीवरी, कि आप आते हैं आप एक स्टॉक बाय करते हैं T+2 जैसे क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट पीरियड है, फॉर एग्जांपल यू बाय ऑन मंडे, वेडनेसडे को सेटल होकर आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आपके अकाउंट में फिर ये फिजिकली शो होंगे। और अगर ऐसा नहीं है कि आपको ये बेच नहीं सके वेडनेसडे तक, आप पहले भी बेच सकते हैं, बस ये है कि ये इसकी सेटलमेंट दो दिन बाद होगी, जो पेमेंट आनी है और जो पेमेंट जानी है वो T+2 पे होगी। मंडे को अगर आपने बेचा है तो उसकी पेमेंट आपको रिसीव होगी वेडनेसडे को, अगर आपने लिया है तो उसकी पेमेंट आपको करनी है वेडनेसडे को। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, MTS एलिजिबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो कि आप किसी ब्रोकर के पास जाते हैं या आप किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ब्रोकर आपको कहता है कि ठीक है आप MTS अवेल कर सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम के, आपके पास एटलीस्ट 15-30% 40% आपसे वो अमाउंट ले लेंगे। लेट्स सपोज कि आपने 100,000 अमाउंट डिपॉजिट किए तो आप ऑन 25% बेसिस तो आप 400,000 के शेयर्स ले सकते हैं, बट दैट ऑलवेज कम्स विद द कॉस्ट। कि जब आप MTS अवेल कर रहे हैं तो 40% आप डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन 60% जो कि ब्रोकर या बैंक पे कर रहा है उसके ऊपर आप लेवरेज पे कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट है काइबर प्लस व्हाटएवर, या आज की जो भी जैसे कि 13% आज आपका इंटरेस्ट रेट है तो 14-15% आप इसके ऊपर पे कर रहे होंगे। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड आफ्टर पेइंग दिस 15% और आपने MTS में कोई सिक्योरिटी ले ली, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम 15% अ ईयर पे कर रहे हैं, इसके ऊपर दूसरे एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो क्या एक साल में ये सिक्योरिटी आपको 15+ पर द कॉस्ट 20-25% जो आपकी कॉस्ट लग जाती है MTS पे जाने से वो कवर करके आपको प्रॉफिट दे रही है? अगर ऐसा नहीं है तो इट्स नॉट प्रेफर्ड। तो एक ये प्रोडक्ट है हमारे पास मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, आप कहीं भी इसको अवेल कर सकते हैं आपको अगर लेवरेज पे काम करना होता है। दूसरा एक प्रोडक्ट है डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट कम्स इन डेरिवेटिव्स, के आपका ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खुला होगा। फॉर एग्जांपल अभी हम एक सिक्योरिटी की कोई भी बात करते हैं, किसी एक ऐसे शेयर की बात करते हैं जिसका फ्यूचर भी है, हम बात करेंगे सुजुकी मोटर्स फॉर एग्जाम्पल। सुजुकी मोटर्स का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी खुलेगा जो आप देख सकते हैं कि अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि वो 2-3% 4% उसकी प्राइस ज्यादा हो, बट दैट्स ऑल यू हैव टू पे इन फ्यूचर्स। आप वो ले सकते हैं, आपको पूरी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वही है कि आप 30-40% अपना डिपॉजिट करें और काम करें उस मल्टीपल फ्लोर पर या मल्टीपल थ्री पर जो भी आपके ब्रोकर आपको अलाउ करते हैं। इसमें ये होगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इन चीज़ों में चाहे वो MTS हो चाहे वो डिलीवर फ्यूचर हो, कोई भी इन्वेस्टर जब भी काम करता है या तो उन्हें पता हो या तो उन्हें आइडिया हो। फॉर एग्जांपल अर्निंग्स, अब ये है रिजल्ट पीरियड, आपका रिजल्ट पीरियड है जा रहा है, आपने अपनी वर्किंग की हुई है कि एक कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 30 सेल्स की थी, ये एक्सपेंसेस थे, ये प्रॉफिट था, ये फाइनेंस कॉस्ट थी, एंड द एंड ये अर्निंग की थी। इस पूरे क्वार्टर में आपने उसको फॉलो अप किया उस कंपनी को, आपने देखी उनकी सेल्स इतनी अच्छी तरीके से हो रही है, उनके एक्सपेंसेस कट डाउन हो रहे हैं, उनकी फाइनेंस कॉस्ट पुराने लेवल्स पर ही है या नीचे आई है।
अगर वो एक अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रही है तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस क्वार्टर की अर्निंग बहुत अच्छी होगी. दैट्स वेयर यू कैन अवेल दीज प्रोडक्ट्स, चाहे वो डिलीवरेबल फ्यूचर हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो एमएफएस हो, कि हाँ आपको लगता हो एक महीने दो महीने में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आप ले सकते हैं. जहाँ आपको ये मालूम है कि 20-25% जो मेरी कॉस्ट है वो निकलने के बाद मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ विदाउट इन्वेस्टिंग टू मच मनी इन इट. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफ. ETF is basically a basket of couple of shares, जिसमें हम कह सकते हैं कि for example हम एक ETF बनाना चाहते हैं आप, जिसके अंदर सारे sectors भी आ जाते हैं, सारी industries, दूसरी industries को लेकर चल सकते हैं. हम बात करें cement sector, हम बात करें fertilizer sector, हम बात करें banking sector, हम बात करें technology sector. हर sector की एक जो सबसे अच्छी perform करने वाली company, हम सबकी एक अच्छी अच्छी company उठा के एक basket बना दें और उस बास्केट को बेसिकली इंडेक्स पर हम ट्रेड करें. तो जब भी उन शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग होगी, जब उस इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग होगी, तब आपका ईटीएफ आपको एक अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है. दैट्स एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड. हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह हमें इसमें भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे कि हम कौन सा ईटीएफ यूज कर सकते हैं. दिस इज कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप ऑब्वियसली, मेरा नाम यासिर है, यासिर याकूब, वाइस सिक्योरिटीज का मैं डायरेक्टर हूँ. आप एनी टाइम हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान हो या दुनिया हो, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने स्टॉक एक्सचेंज से एक अच्छा गेन किया है. हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं. हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं. हम ये बता सकते हैं कि आज मैं अगर कुछ कोट करूं, फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वेरी गुड इन्वेस्टर इन दिस वर्ल्ड जो कहता है नेवर लूज मनी. दैट्स द रूल नंबर वन. एंड द रूल नंबर टू इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर वन. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस जहां आप बहुत पैसे बना भी सकते हैं और पैसे लूज भी कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटजीज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आपकी प्लानिंग. जब तक आप एक चीज को प्लानिंग और स्ट्रेटजाइज नहीं करेंगे, इट्स नॉट इजी टू मेक मनी. जब आप स्ट्रेटजी के साथ आते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जब आप प्लानिंग के साथ आते हैं, जब आप एक अवेयरनेस के साथ आते हैं, ऑब्वियसली यू गेट अ बिगर रूम टू अर्न मनी एंड वेरी लेस चांसेस टू लूज मनी. मार्केट कैन प्राइस थिंग्स रॉन्ग. वेरी गुड सेइंग. आज की जो हमारा करंट सिनेरियो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, मेरी नजर में, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसा लगता है कि एवरी कंपनी इज अंडर वैल्यूड. आज हम किसी भी एक अच्छी कंपनी या दो तीन, जिसमें भी आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, आप उनकी फाइनेंशियल्स उठाएं, आप उनकी देखें, आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें कि 2015, 16, 17 फोर ईयर्स पीरियड में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, उनके शेयर प्राइसेस क्या थे, उनकी अर्निंग्स क्या थी, किन बेसिस के ऊपर वो बढ़ रही थी, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे थे, किन बेसिस के ऊपर उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया. आज वही प्राइसेस अगर मैं बात करूँ तो 80-90% डिस्काउंट रेट पर आपको मिल रही है. जो चीज़ 500 रुपये की थी वो आज 50 रुपये पे मिल रही है, जो 1000 रुपये की थी वो आज आपको 200-300 रुपये पे मिल रही है. तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का. 2016 में मैं सोचा करता था कि हमें ये मौका कब मिलेगा कि अच्छी इन्वेस्टमेंट का टाइम मिले, अच्छे रेट्स पे हमें बाइंग का टाइम मिले, जो कि आज हमें मिल रहा है. तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसको इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छा मौका है. हमें चाहिए कि हम अच्छी अच्छी कंपनीज टारगेट करें, हम अपने फाइनेंशियल देखकर इन्वेस्टमेंट करें और हम 3-4 साल यहाँ से टारगेट करें. आई एम 100% श्योर यू विल एंड अप मेकिंग 300-400% रिटर्न्स इन 3-4 years. अगर आज हम इनकी बात करें, ये आज आपकी हमारी वो थी प्रेजेंटेशन थी.
मुझे मालूम चला है मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं सुनने में आ रही थी, तो हम ये कर सकते हैं कि वी कैन ऑब्वियसली सी थिंग्स। और हाँ, आप लोगों को जो भी ये प्रेजेंटेशन है, ये आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगी, आप इनको फॉलो अप कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बात की कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कितने किस्म की होती हैं, इन्वेस्टमेंट हमने ग्रोथ पे बात की, हमने मोमेंटम पे बात की, हमने वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे बात की, हमने करंट सिनेरियोस पे बात की, पाकिस्तान के और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के करंट सिनेरियोस पे हमने बात की। मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड टाइम कि आप इस मार्केट में आए, अवेयरनेस लें, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज से आए, प्लानिंग से आए, और देखें कि इस मार्केट में कितना कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, फंडामेंटली, टेक्निकली, चाहे वो इकोनॉमिकल इश्यूज की वजह से आज हम सफर कर रहे हैं, चाहे हम पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, लेकिन हमारा फ्यूचर आगे आने वाला बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं ड्यू टू, आप देख रहे हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, हमारे पास कितना अच्छा एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं आगे जाके। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, कि हमें दिख रहा है, हमें मालूम है कि पाकिस्तान आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर हो जाएगी। हम ये देख सकते हैं कि हम जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि पीनट्स प्राइसेस बहुत कम है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी प्राइसेस आपको ना मिले, क्योंकि उनको हम देख रहे हैं कि ग्रोथ बहुत है आगे पाकिस्तान की। और हम इस तरीके से अपनी मैनेज करके एक अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। हमने प्रोडक्ट्स पे बात की कि लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, एमटीएस और डिलीवरेबल फ्यूचर, रेगुलर मार्केट है आपकी जो आप कैश बात कर सकते हैं, ईटीएफ ट्रेडेड फंड्स, आई मीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ जो आपके ईटीएफ्स हैं, ये हमारे पास आज बहुत सारे ऑप्शन नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर आई एम 100% श्योर कि एक एक अच्छा आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट ईटीएफ मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के होंगे, जिसमें आपको मालूम होगा कि हम इस ईटीएफ को लेके इन सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं, या इस ईटीएफ को लेके इन इंडस्ट्रीज को कवर कर रहे हैं, इन कंपनीज को कवर कर रहे हैं, इंडेक्स को कवर कर रहे हैं। टू मेनी थिंग्स टू लर्न। कोई भी आपको ऐसी क्वेरी हो, यू कैन डेफिनेटली ऑलवेज कॉल मी, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस या नंबर, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए हो तो ये आपको प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। बेसिकली जो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम बात करते हैं कि यार सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कौन सी है। मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो नहीं है जिन स्ट्रेटजीज की वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए हैं हिस्ट्री में। बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वो है जो हमें सूट करती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को केटर करती है, जो हमें बताती है कि हाँ, ये इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे हमें ना कोई प्रेशर है, हमें वेट करने में कोई मसला नहीं है, हम इतना रिटर्न बना सकते हैं, ये हमारा टारगेट है। ये सारी वो चीजें हैं, मे बी एक इंसान शायद ना समझ सके कि यार मैं कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करूं, तो बेस्ट है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आप अपने लिए स्ट्रेटेजाइज करें कि कौन सी एक स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट केटर आपको करेगी। बाकी आपको कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन, माई नेम इज़ यासिर याकूब, आई एम डायरेक्टर ऑफ वाइट सिक्योरिटीज़। आप एनी टाइम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर आपको और इन्फॉर्मेशन भी देंगे। वी आर हेयर टू गिव मोर प्रायोरिटी टू द पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हम अवेयरनेस भी देना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन सी गलतियों की वजह से लोगों ने यहाँ पर लॉसेस बेयर किए हैं, और कौन सी स्ट्रेटजीज की वजह से लोगों ने एक अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। दोनों सिनेरियोज आपके सामने हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू ट्रीट योर ओन मनी, नो वन एल्स कैन टेक केयर ऑफ योर मनी एक्सेप्ट योरसेल्फ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आई होप ये बहुत इंफॉर्मेटिव था, होप के आप काफी कुछ समझे होंगे, और होप के हम इसको, इन स्ट्रेटजीज को यूज करके एक अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यासिर याकूब, अल्लाह हाफिज़।